ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी ढोकला हमारा बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और इसे बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद हमारा बिल्कुल मार्केट स्टाइल ढोकला बनकर रेडी हो जाता है। और अगर आपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी लेती हूँ आपका पहली बार में ही इतना सॉफ्ट एंड स्पंजी ढोकला बनकर रेडी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ सारे नाप लिए हैं। मैं यहाँ 200 ग्राम बेसन लूँगी, मीन्स आधा कप, और जो 3/4 कप आता है वो दोनों दबा दबा के भरेंगे तो 200 ग्राम हमारा बेसन हो जाता है। आप सही माप के साथ ही ढोकला बनाइए, तभी जाके आपका सॉफ्ट एंड स्पंजी ढोकला बनकर रेडी होगा, ये मेरी गारंटी है। ये देखिए मैंने दोनों 3/4 कप और आधा कप को अच्छे से दबा दबा के भर दिया है। अब जो ये 1 कप आता है, 250 ml का आता है, तो इसे 3/4 ही भरेंगे, मीन्स इसे कंप्लीट नहीं भरेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे, मीन्स 170 ml मैंने पानी लिया है। अब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून चीनी ली है और साथ ही 1 चम्मच नींबू के फूल लिए हैं, मीन्स सिट्रिक एसिड लिया है, साथ ही आधा चम्मच हल्दी ली है और आधा चम्मच इसमें नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये देखिए पानी इसमें ऐड कर दिया है और जब तक ये चीनी मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे फेंटते रहेंगे। और अब एक एक करके, एक एक चम्मच करके इसमें हम बेसन घोलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम से डालेंगे तो ज़्यादा लम्स आ जाएंगे। तो ये देखिए एक एक करके चम्मच डाल के तो इसे अच्छे से फेंटेंगे। यहाँ टाइम की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, लगातार 5 मिनट इसे अच्छे से फेंटना है। ये देखिए बेसन हमारा बिल्कुल हल्का हो चुका है, तो टाइम का ज़रूर नोटिस कीजिए आप, और ढककर 15 मिनट का रेस्ट इसे दे देंगे। अब एक केक टिन लिया है जिसमें हम ढोकला बनाएंगे, उसे नीचे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और लगभग 3 गिलास इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, साथ ही एक स्टैंड इसमें रख देंगे, ढककर इसे 10 मिनट तक गरम होने देंगे। ये देखिए यहाँ 15 मिनट भी हो चुकी है हमारी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, साथ ही 1 पाउच इनो का डाला है, अगर इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा डालिए आप 1 टेबल स्पून, और इन्हें लगातार 5 मिनट तक हम फेंटेंगे। तो ये देखिए लगातार 5 मिनट तक फेंटने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। केक टिन में इसे हम डाल देंगे। ये देखिए सारा बैटर केक टिन में डालने के बाद थोड़ा सा इसे डैप टैप करेंगे, और यहाँ पानी भी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अभी अच्छे से इसे ढककर 25 मिनट तक पकाएंगे। स्टार्टिंग के 15 मिनट तक गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है, और लास्ट के 10 मिनट्स हम स्लो गैस पे पकाएंगे। ये देखिए ढोकला हमारा बहुत ही ऊपर तक फूल के आ चुका है और बहुत स्पंजी भी बना है। ये देखिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिल्कुल टाइम नोटिस करके ढोकला बना, बिल्कुल मार्केट स्टाइल आपका स्पंजी ढोकला बनकर रेडी होगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट ढोकला हमारा बनकर रेडी हुआ है। मैं इसे एक नाइफ़ की सहायता से इसे कट कर दूंगी। ये देखिए काटने से ही पता चल रहा है कितना स्पंजी ढोकला हमारा बनकर रेडी हुआ है। और अब इसके लिए हम तड़का भी रेडी करेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे पीसीज में कट कर दिया है। अब तड़का रेडी करेंगे। एक तड़का पैन गैस पे रखेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, और साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने इसमें राई डाली है। राई के चटक जाने के बाद मैंने लंबी कट करके हरी मिर्च डाली है, थोड़े से करी पत्ते डाले हैं, और अब इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। जो ढोकला होता है हमारा थोड़ा खट्टा मीठा ही होता है, तो इसमें चीनी भी डालेंगे हम। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, 1 टेबल स्पून चीनी डाली है और आधा गिलास इसमें पानी डाला है, साथ ही मैंने 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारे ढोकले का आए। ये देखिए अच्छे से उबल जाने के बाद मैंने जो सारा पानी था ढोकले के ऊपर डाल दिया है, और ये देखिए बहुत ही स्पंजी ढोकला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल जालीदार ढोकला जैसा मार्केट में मिलता है वैसा ही ढोकला हमारा बनकर रेडी हुआ है, और मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं तो सेम ऐसा ही ढोकला आपका बनकर रेडी होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर